इसको। चलो क्वेश्चन नंबर वन है, जो राज्यसभा का टेन्योर है, जो राज्यसभा मेंबर का टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कितने साल होगा, कितना होता है राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर? 6 ईयर्स। संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं लिखा? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो ऑप्शन है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फिक्स कर दिया कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर होगा? किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में लिखा है कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, टेन्योर 6 ईयर्स होगा, किस आर्टिकल में लिखा? राज्यसभा पढ़ा दिया ना, किस आर्टिकल में लिखा है? कहीं नहीं लिखा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है? तो पहला क्या है गलत, अलग से एक एक्ट आया था 1951, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जनप्रतिनिधित्व एक्ट। दूसरा, इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब ये सही है कि गलत है? ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका टेन्योर नहीं लिखा, लोकसभा का टेन्योर तो लिखा 5 ईयर होगा, पर राज्यसभा का टेन्योर, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिन्हें पार्लियामेंट में रखने से पहले प्रायर असेंट चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, किस में? कौन से मनी बिल में चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए क्या प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए कि नहीं? जबरदस्ती क्यों चाहिए? संविधान में बदलाव करने के, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए प्रायर असेंट नहीं चाहिए। और तीसरा, अगर कोई स्टेट है, अगर उसका बंटवारा कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री में चेंज कर रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए? जैसे मैं एमपी से छत्तीसगढ़ बनाना है, तो क्या प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, प्रायर असेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रायर चाहिए। क्वेश्चन है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री में चेंज करने से पहले क्या प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए? ये क्वेश्चन। अरे कुछ बिल होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट में रखने से पहले उससे पूछना पड़ता है। तो अभी तक दोनों ऑप्शन समझ में नहीं आए? क्वेश्चन ये पूछ रहे, कौन से ऐसे बिल हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में रखने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है? तो मनी बिल में पूछना पड़ेगा, पर संविधान में अगर बदलाव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो कंपलसरी नहीं है पूछना। थर्ड है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री कम कर रहे, बढ़ा रहे, चेंजेस कर रहे, या उसको डिवाइड कर रहे, तो क्या राष्ट्रपति की, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, तो क्या प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट ली गई होगी? आर्टिकल 3 पढ़ा होगा ना, क्या है प्रायर असेंट और परमिशन में डिफरेंस? इसका आंसर हो जाएगा लेना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखो सुनो, आर्टिकल 3 में जब भी स्टेट की बाउंड्री चेंज होगी या स्टेट का डिवीजन होगा, तब प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए होती है, पूर्व अनुमति चाहिए होती है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117 मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जिसमें टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट, पहले सहमति चाहिए पड़ेगी। अगला, जब भी बजट में किसी भी टाइप का ग्रांट है, आर्टिकल 113, अगर कोई भी ग्रांट या अनुदान मांगते हैं बजट में, तो पहले प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए। और आर्टिकल 274, कोई भी ऐसा एक्ट, ऐसा लॉ जो बन रहा है जिससे किसी और स्टेट के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित भी जुड़े हैं आर्टिकल 274 में, उसके लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए। देखो, जब भी कोई स्टेट है, जैसे एमपी है, इसकी बाउंड्री बढ़ानी है, कम करनी है, तो आर्टिकल 3, एमपी से बांट के छत्तीसगढ़ करना है, एमपी से बांट के बुंदेलखंड करना है, आर्टिकल 3, इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए। दूसरा, अगर टैक्स से जुड़ा कोई मैटर है, चाहे आर्टिकल 110 हो चाहे 117 हो, आपको प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट, पूर्व अनुमति चाहिए। जब भी कोई अनुदान मांगना है, जब भी बजट में
मांगा जाता है ना कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट पूर्व अनुमति चाहिए। कोई भी ऐसा बिल जिससे, कोई भी ऐसा कानून जिससे स्टेट के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उससे जुड़े हैं, कोई ऐसा टैक्स जैसे जीएसटी है, क्या जीएसटी से स्टेट के इंटरेस्ट जुड़े हैं कि नहीं? कोई सामान खरीदते समय बिल देखा है? उसमें दो चीज़ें लिखी रहती हैं, उसमें दो चीज़ें लिखी रहती है, एक सेंट्रल का जीएसटी और एक, तो जब सेंट्रल और स्टेट दोनों जीएसटी लगते हैं, तो अगर जीएसटी में कोई भी चेंज करोगे तो उसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट जुड़ा है ना, कि जीएसटी स्टेट को भी मिलता है। इसका मतलब 274 में लिखा है कि अगर कोई बिल ऐसा है जिससे स्टेट के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटैच्ड हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और आर्टिकल 304 कोई भी अंतर राज्य व्यापार इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड लॉ बनना है तो भी प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए। तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने कानून बनते समय प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट पूर्व अनुमति चाहिए और इनके अलावा नहीं चाहिए। आगे समझ में, आर्टिकल 3 समझ में आ गया? आर्टिकल 3 क्या है? कोई भी स्टेट छोटा करना है, बड़ा करना है, बांटना है, जोड़ना है, कल के दिन एमपी छत्तीसगढ़ जोड़ना है तो भी आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 110, 117 टैक्स से रिलेटेड कोई भी लॉ बनना है तो बिल सबसे पहले किसकी प्रायर असेंट चाहिए? प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 113 समझ में आ गया? कोई भी बजट में ग्रांट रखी जाती, डिमांड रखी जाती। 274 समझ में आ गया? ये क्या है 274 में, कि अगर कोई भी ऐसा बिल लाते हैं जिससे स्टेट के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटैच्ड है तो भी प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। 304 में लिखा है अगर दो स्टेट के बीच में कोई ट्रेड है उसको पार्लियामेंट रेगुलेट करना चाहती है, पार्लियामेंट चाहती है कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए हम कोई लॉ बनाएं, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट से प्रायर असेंट चाहिए। कोई दिक्कत? इसके अलावा किसी और चीज़ में प्रायर असेंट पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। हाँ, कहीं भी आ सकता है, तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता। हाँ, तो प्रायर असेंट अगर है, जैसे मनी बिल में प्रायर असेंट है तो लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा कि साइन तो कर दो, लेकिन उससे वीटो, उसको सस्पेंस से वीटो नहीं लगा सकता, वो लौटा नहीं सकता, क्योंकि उससे ही प्रायर असेंट लिए ना। अगर पहले से पूछ के बिल लाए हो तो प्रेसिडेंट लौटा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, जितने भी यूटीज हैं, यूटीज में कितनी सीट हैं, लोकसभा में कितनी सीट है? 552 है ना, 552 में स्टेट्स को कितनी सीट दी है, यूटीज को कितनी दी है? 20 और दो, कौन आना था? एंग्लो इंडियन आना था, अब एंग्लो इंडियन नहीं आते। कौन सा अमेंडमेंट है? 104, 1/4 अमेंडमेंट किया, अब एंग्लो इंडियन नहीं आते। तो कौन, अब ऊपर चलिए ऑफिस में, हाँ ऑफिस में चलिए। तो इसमें ये लिखा है जो यूटी से 20 मेंबर्स का प्रोविजन है, 20 में अभी एट प्रेजेंट 13 आते हैं, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है पब्लिक के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि जो ये 20 सीटें हैं यूनियन टेरिटरीज के, इनका इलेक्शन कैसा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो पार्लियामेंट बोले वो, या लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट करेगा। क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनके इलेक्शन कैसे होंगे? डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जो पार्लियामेंट चाहेगी उस मेथड से होगा, या लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट कर लेगा सीधे 20 को। इसका सही आंसर है कि जो पार्लियामेंट चाहेगी वही होगा, पार्लियामेंट चाहेगी तो डायरेक्ट होगा, पार्लियामेंट चाहेगी तो इनडायरेक्ट होगा, नॉमिनेट होगा, जो पार्लियामेंट चाहेगी उसी तरह से यूटीज के 20 मेंबर्स आएंगे। समझ में आ गया? मतलब जो भी क्वेश्चन करा दे रहे इससे बाहर नहीं जाएगा, सर ने पढ़ा दिया आपको है ना, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में पूछा है। उन्होंने पूछा अगर किसी पर्सन को लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में इलेक्ट होना है, निर्वाचित होना है, तो उस स्टेट के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मेंबर होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है, देखो हर जगह तो काउंसिल नहीं होती, कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
तो इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को इलेक्ट होना है काउंसिल में तो उस स्टेट के कहीं भी मेंबर होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, अलग से एक एक्ट पास किया 1951 में, उसमें लिखा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं लिखा। तो पहला हो जाएगा रॉन्ग, फॉल्स। सेकंड है कि जो काउंसिल है वो 14 डेज के अंदर उसको मनी बिल लौटाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी बिल को कितना रख सकता है, 14 डेज। सही है कि गलत है? जैसे राज्यसभा रख सकती है 14 डेज, ये काउंसिल भी रख सकती है, पक्का? जैसे राज्यसभा लोकसभा का मनी बिल 14 डेज तक रख सकती है, तो ऐसे क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मनी बिल 14 डेज तक रख सकती है? मेरे हिसाब से क्या होता है, इस बार जितने क्वेश्चन यूपीएससी में आए थे, देखा था पूरा 11th क्लास के एनसीईआरटी से एजिट आए थे, और ज्योग्राफी से जो पढ़ाया था उससे एपीफाइट्स पढ़ाए थे, पढ़ाया था एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसमें पेड़ दूसरे पेड़ का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, कौन से फॉरेस्ट की बात है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। आया है, उठा के देखना, मतलब एजिट जैसे है, जैसे पूछा था ट्रेड विंड चलती है तो कौन सा हिस्सा ठंडा होगा कौन सा गर्म होगा, तो ट्रेड विंड चलेगी तो ईस्टर्ली में बारिश होगी वो ठंडा होगा, वहाँ डेजर्ट होगा गर्म होगा, तो यही पूछा उसने। तो क्वेश्चन अब उसने क्या फैक्चुअल नहीं पूछे, वो पूरे कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, और एनसीईआरटी से ही पूरा टेकल कर सकते। चलो ये वाला बताओ, ये सही है। अगला क्वेश्चन, जो काउंसिल का मेंबर है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, काउंसिल का, तुम्हारे हिसाब से कि संविधान के हिसाब से नहीं बन सकता? बन सकता है, दोनों में से किसी भी मेंबर, जैसे लोकसभा राज्यसभा में किसी का भी मेंबर हो पीएम बन सकता है, ऐसी असेंबली और काउंसिल विधानसभा विधान परिषद में किसी का भी मेंबर हो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा, तो आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी कोशिश करो, शायद थोड़ा थोड़ा आ जाए, पूरा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी कच्ची लो ये। चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर है और वो पार्टी चेंज करता है तो उसको उसकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी, तो कब कब एलिजिबिलिटी नहीं जाएगी? पहला ऑप्शन है अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा, मतलब इसने लिखा कि कब कब वो मेंबर रहेगा, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ता है तो क्या उसकी मेंबरशिप पार्लियामेंट की रहेगी या चली जाएगी? चल दो सौ सुन सुन, अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से छोड़ता है तो मेंबरशिप चली जाएगी, और पार्टी अगर उसको डिस्पेल करती है, उसको निकालती है, एक्सपेल करती है, तो नहीं जाएगी। ध्यान रखना, अगर पार्टी निकालती, इसीलिए कभी भी पार्टी निकालती नहीं है कि उसे पता है पार्टी, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुना है, वो थे बीजेपी की पार्टी में पर एंटी मोदी स्टेटमेंट आते थे, कभी बीजेपी ने उन्हें नहीं निकाला, क्योंकि अगर वो निकाल देंगी तो मेंबरशिप जाएगी नहीं और चिल्लाएंगे, सिक्योर हो गए ना, 5 साल तक रहेंगे, इसलिए वो वेट करते हैं, इतना परेशान करें, कोई पोस्ट ना दें, कहीं बुलाए नहीं, कि वो खुद पार्टी छोड़ के चला जाए, और जैसे ही पार्टी छोड़ेंगे मेंबरशिप चली जाएगी। तो अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, और पार्टी उसको अगर एक्सपेल करती है तो उसकी मेंबरशिप रहेगी, रिटेन रहेगी। तो इसका मतलब है गलत है पहला, इसमें लिखा है कब मेंबरशिप नहीं जाएगी, तो इसमें तो चली जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कोई मेंबर बिन वोटिंग से गायब रहता है और उसकी पार्टी माफ नहीं करती, जैसे पार्लियामेंट में किसी बिल पर वोटिंग हो रही और उसकी पार्टी ने उससे बोला कि तुम्हें वोटिंग में आना है, और वो वोटिंग से हो गया गायब और उसकी पार्टी ने इस बात के लिए उसे नहीं किया माफ, तो उसकी मेंबरशिप रहेगी या जाएगी? चली जाएगी। अगर माफ कर दिया तो रहेगी और नहीं किया तो चली जाएगी। हर पार्टी में एक व्हिप रहता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सचेतक, हर पार्टी में एक व्हिप रहता है जो बताता है वोट देना है कि नहीं देना है, गायब रहना है, फेवर में देना अगेंस्ट में देना। तो अगर आपने व्हिप की बात नहीं मानी
और पार्टी ने माफ़ नहीं किया तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। अगर पार्टी ने माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ऐसा मत करना, तो मेंबरशिप रहेगी। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं? ये अभी टॉपिक करवा दिए ना सर ने, करवा दिए ना, तो एक बार फिर से देख लेना, है ना। चलो थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी से इलेक्ट, खुद इंडिपेंडेंट अगर इलेक्ट होता है और वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुआ, निर्दलीय इलेक्ट हुआ और जाके बीजेपी या कांग्रेस में शामिल हो गया, तो उसकी मेंबरशिप रहेगी या चली जाएगी? रहेगी चली जाएगी? उसकी चली जाएगी, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेंबर में पार्लियामेंट में आता है और कोई पार्टी ज्वाइन करता। अगला, अगर कोई नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य 3 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप रहेगी या चली जाएगी? क्यों? अगर कोई मनोनीत हुआ, नॉमिनेट हुआ और 3 महीने के अंदर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी मेंबरशिप रहेगी या चली जाएगी? क्यों? क्या मनोनीत की, नॉमिनेट की रहती है कि जा सकती है? क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग तुक्का लगा सकते हैं? सुनो सुनो, अगर विद इन 6 मंथ्स अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन, सुनो सुनो, अगर विद इन 6 मंथ्स वो पार्टी ज्वाइन करता है तो मेंबरशिप बनी रहेगी। विद इन 6 मंथ्स कर रहा ना, तो बनी रहेगी। अगर 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है तो चली जाएगी। तो इसका आंसर ये सही है। तो इस कंडीशन में मेंबरशिप बनी रही, क्यों? विद इन 6 मंथ्स का। अगर ये 3 मंथ्स की बजाय एग्जाम में 7 मंथ्स होता तो ये गलत हो जाता, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये सब वो कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग किसकी मेंबरशिप रहती है, किसकी मेंबरशिप जाती है। समझ में आ गया? अगर पार्टी निकाल दे किसी को तो मेंबरशिप रहेगी या जाएगी? तो रहेगी। अगर खुद छोड़ता है तो चली जाएगी। दूसरा, पार्टी ने उसे बोला वोट देना है, वो गायब हो गया और पार्टी ने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया तो रहेगी, और माफ़ नहीं किया तो। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय है और वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है, चली जाएगी, चाहे वो विद इन 6 मंथ हो चाहे आफ्टर 6 मंथ हो, चली जाएगी। पर कोई नॉमिनेट मेंबर है, मनोनीत सदस्य, विद इन 6 मंथ अगर ज्वाइन करता है तो रहेगी, अदरवाइज चली जाएगी। 6 मंथ के बाद अगर ज्वाइन करता है चली जाएगी। अगला है, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वो बोला कि अगर इंग्लिश निम्नलिखित कथनों में विचार करें, हाँ इसमें ये लिखा है, अगर दोनों हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों में असहमति डिसेंट है तो क्या दोनों में ज्वाइंट सेशन हो सकता है? क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बात नहीं बन रही है 6 महीने तक अगर उसने पास नहीं किया तो क्या दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? क्या विधानसभा विधान परिषद की संयुक्त बैठक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अपने आप पास हो जाता, पहली बार 3 महीने और दूसरे बार 1 महीने, 4 महीने बाद अपने आप पास होना है, तो ज्वाइंट सेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं। लोकसभा राज्यसभा में अपने आप पास नहीं होता, तो ये गलत है। तो पहला तो हो जाएगा गलत। दूसरा, अगर हाउस ने कोई बिल पास किया है और उसने गवर्नर के पास पहुंच गया तो क्या गवर्नर के पास क्वालिफाइड वीटो रहता है, विशेषित वीटो रहता है? क्या गवर्नर के पास, अगर विधानसभा और विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों पास करके गवर्नर के पास भेज दें तो क्या गवर्नर के पास क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो रहेगा? ये वाला वीटो रहता है? ये इंडिया में नहीं होता, ये अमेरिका में मिलता है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब है जब कोई बिल आता है और उसको प्रेसिडेंट लौटा देता है तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं अगर पहले से ज़्यादा वोटों से अगर उस बिल को पास कर दे। जैसे हमने पहली बार सिंपल
मेजोरिटी से बिल पास किया और गवर्नर ने कहा ले जाओ मेरी नज़रों से दूर करो, तो अगली बार पास हो जाएगा। या तुमने 2/3 से बिल पास किया और गवर्नर कह रहा है इसको हटाओ, तो अगली बार 3/4 से ले आओ। तो आप गवर्नर के वीटो या प्रेसिडेंट के वीटो को जब ओवरराइड कर सको, उनके वीटो को काट सको, उससे क्या करना, आपको मेजोरिटी चाहिए पहले से भी ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, विशेषत वीटो। ये इंडिया में नहीं होता, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा गलत। तो इनमें से दोनों हो जाएंगे गलत, ना तो ज्वाइंट सेशन हो सकती है। चलो जल्दी से एक दो क्वेश्चन बचे हैं। अगला, राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर बताओ। पहला, क्या वो पार्लियामेंट की कोई भी सिटिंग को एडजर्न कर सकता है? क्या संसद की बैठक को स्थगित कर सकता है प्रेसिडेंट? पॉलिटी हो गई। स्पीकर करता है एडजर्न, प्रेसिडेंट या तो सिटिंग को इनवाइट करता है या डिजॉल्व करता है, या तो मीटिंग को बुलाता है, इसको डिजॉल्व करता है, एडजर्न नहीं करता। एडजर्न केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है स्थगित। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया गलत। क्या कर रहे हो तुम लोग, पेपर देना इस जन्म में। चलो अगला, जो प्रेसिडेंट है वो दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता, सही है गलत? अब नहीं करता, 104th Amendment 2019 से अब नहीं करता, तो दूसरा हो जाएगा गलत। तो इसमें हो जाएंगे दोनों ही गलत। जल्दी से 3-4 क्वेश्चन रखें। अगला, अगर वोटिंग एज अभी कितनी है, 18 है, अगर इसको हमें 16 करना है या 20 करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किस आर्टिकल में करना पड़ेगा? हाँ, 326। तो कौन सी वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट का स्पेशल और मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स या इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से? कैसी वोटिंग चाहिए कि एज को बताओ, अगर वोटिंग एज क्या चेंज कर चुके हैं कि नहीं, पहले कितना था अब कितना हो गया, कब किया था, 61st Amendment 1989 में किया था, बिल 88 था, डेट थी 1989, बिल था 88। तो उस समय जब वोटिंग जो राइट्स की एज थी, वोटिंग की जो एज थी वो रिड्यूस की थी, उसके लिए कौन सी वोटिंग से किया था? तुक्का लगा, तुक्का, कितने लोग ए के साथ जाना चाहते हैं? एक। कितने लोग बी के साथ जाना चाहते हैं? कितने लोग सी के साथ जाना चाहते हैं? कितने लोग डी के साथ जाना चाहते? कई लोग कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं बैठे रहना चाहते। इसका आंसर होगा सी। जब भी ऐसा होगा तो पार्लियामेंट की भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, तब जाके हुआ। ये वाला जो हुआ था वो ऐसे ही हुआ था अमेंडमेंट। चलो नेक्स्ट, अगर कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा डिजॉल्व होती है तो कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा? बिल लैप्स होते हैं कि नहीं, सुना होगा लोकसभा खत्म हो गई तो बिल लैप्स हो गया, विधानसभा, तो लैप्स कौन सा नहीं होगा? पहला, जो काउंसिल में पेंडिंग में है पर अभी असेंबली ने इसको पास नहीं किया है, ऐसा बिल जो काउंसिल में अभी पेंडिंग में है और विधानसभा ने अभी इसको पास नहीं किया है, लैप्स हो जाएगा, सही है, मतलब लैप्स हो जाएगा। इसके बाद, ऐसा बिल जो विधानसभा असेंबली में पेंडिंग में है और चाहे तो वहीं से आया हो चाहे काउंसिल से आया, चाहे तो विधानसभा से ही आया है चाहे काउंसिल से आया, पर अभी पेंडिंग में असेंबली में, तो ये वाला बिल लैप्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी लैप्स हो जाएगा। थर्ड वाला है, ऐसा बिल, इसमें ऐसा बिल जो असेंबली ने पास कर दिया और गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, पहला वाला बिल पास वो नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, पहला वाला लैप्स नहीं होगा, इसलिए लैप्स नहीं होगा क्योंकि ये कहां पर पेंडिंग में है, काउंसिल में, और डिजॉल्व कौन सी हो रही है, अरे तो कई बार ऐसा होता है ओरिजिनेट नहीं होता, वो भेज देता है, प्रेस कर देता है, तो ये नहीं होगा, ये वाला बना रहेगा। थर्ड वाला, अगर पास कर दिया है
तो ये भी लैप्स नहीं होगा, तो आंसर होगा वन और देखो बिल्कुल आसान है, देखो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसा कर ले रहे विधानसभा और विधान परिषद, ये मान लो लैप्स हो गया, ठीक है। अब सवाल है कौन कौन सा, ये डिजॉल्व हो गया तो कौन कौन से बिल लैप्स होंगे, अगर इसने पास कर दिया तो ये सब लैप्स हो जाएंगे, जितने इसके पास पेंडिंग है वो भी लैप्स हो जाएंगे, समझना। ये अगर डिजॉल्व होता है तो जितने बिल इसने पास किए वो लैप्स हो जाएंगे, दूसरा जितने इसके पास पेंडिंग डले हैं वो भी लैप्स हो जाएंगे, समझ में आ गया। अगर इसने पास कर दिया, इसने पास कर दिया और गवर्नर के पास पहुंच गया या प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया तो लैप्स नहीं होगा, या कोई बिल इस ये अभी सोच रहा है इस यहाँ आया ही नहीं है, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो लैप्स होगा, ध्यान रखना। अगर इसके यहाँ पेंडिंग डला लैप्स, इसने पास किया लैप्स, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, केवल अभी यहाँ बात चल रही है, इसने ना तो पेंडिंग है ना इसने पास किया, तो लैप्स नहीं होगा। ये चाहे लोकसभा हो चाहे राज्य, उसमें भी यही काम करेगा, ध्यान रखना, उसमें भी लोकसभा डिजॉल्व होती है, तो अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स होगा, और लोकसभा ने पास किया था वो भी लैप्स, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया लोकसभा से नहीं हो, समझ में आ गया। तो जो भी विघटित होगी डिजॉल्व होगी अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो लैप्स होगा, जैसे कोई बिल राज्यसभा में आया और अभी लोकसभा पहुंची नहीं था, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। तुम कहाँ बेटा गायब हो गए थे इतने दिन तक, हाँ क्यों, ये कहाँ रखती शिवानी, तुम आने नहीं दे रही इसे, चलो हाँ बिल्कुल होगी, इस कंडीशन में लैप्स नहीं होगा, थर्ड कंडीशन में लैप्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन अगला, अगर गवर्नर राज्यपाल प्रेसिडेंट को कोई बिल भेजता है तो क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट इस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजता है तो 6 महीने के अंदर उसको इस बिल पर रीथिंक करना होगा, दोबारा सोचना होगा, ऐसा लिखा है क्या, कि अगर प्रेसिडेंट वापस उस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजता है, जैसे असेंबली ने पास किया, गवर्नर के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा और प्रेसिडेंट वापस भेजता है, तो क्या 6 महीने के अंदर उस बिल को फिर से पास करना होगा, ऐसा लिखा है क्या, ऐसा लिखा है क्या, लिखा है, ऐसा लिखा है 201 में ऐसा लिखा है, तो हाँ, तो गवर्नर अगर प्रेसिडेंट के पास भेजता है और प्रेसिडेंट वापस उसको भेजता है तो 6 महीने के अंदर उनको फिर से पास करना हो, ये लिखा है आर्टिकल 201, गूगल में देखना, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करता है कोई भी बिल तो उसको रीथिंक करना पड़ेगा असेंबली को विथ इन 6 मंथ्स। तो पहला सही है कि गलत है, पहला है सही। दूसरा, अगर कोई भी असेंबली अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के वापस प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, जैसे असेंबली ने पास किया गवर्नर के पास, गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने वापस असेंबली को भेज दिया, 6 महीने के अंदर इसने वापस प्रेसिडेंट को भेजा, तो क्या प्रेसिडेंट उसको दोबारा, मतलब प्रेसिडेंट को दोबारा उसमें साइन करने ही होंगे, चाहे जितनी बार लौटा सकता है प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को, चाहे जितने बार वीटो कर सकता है, तो ये हो जाएगा गलत। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गवर्नर के पास कोई ऐसा बिल आता है जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, हाई कोर्ट के जजेस की फ्रीडम, हाई कोर्ट की फ्रीडम को खतरे में डाल रहा है, तो ऐसा बिल गवर्नर साइन नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट को पहुँचाना ही होगा, सही है कि गलत है। अगर कोई ऐसा बिल आता है जो रिलेटेड है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, तो ऐसा बिल गवर्नर साइन नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना होगा, सही या गलत है, सही है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1 एंड। तुम लोग नोट्स रिवाइज करो, मुझे नहीं लगता तुम लोग नोट्स रिवाइज कर रहे, पॉलिटी करा दी सर ने पूरी, और काहे के नहीं मिले, तो अभी मिले जा रहे सर नोट्स ही दिलवा दो। अच्छा हाई कोर्ट के सही नहीं हो रहे, तुम लोग असेंबली और काउंसिल में तो बहुत एक्सपर्ट हो,
हाई कोर्ट के चलो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे, बाकी तो धड़ल्ले से बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायत के डिजॉल्व के बारे में बता। पंचायत पहला के पंचायत के डिजॉल्व का बेस क्या होगा, पंचायत अगर विघटित होती है डिजॉल्व होती है तो उसका बेस क्या क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा पंचायत का आर्टिकल क्या है और उसका टेन्योर 5 ईयर होगा, ये किस में लिखा है, कहां लिखा है पंचायत 5 साल तक चलेगी, ई उसका एक्सटेंशन कितना होगा। मैंने तो ऐसे याद किया है कि पंचायत का एक्सटेंशन कितने साल तक रहता है, 5 ईयर तक रहता है, ई में लिखा, ई फॉर एक्सटेंशन। जैसे तुमसे पूछे फाइनेंस कमीशन आई, इनकम की बात किस में होगी, तो पंचायत की इनकम की बात आई में होगी। ठीक है, दबंग लोग परेशान करते हैं तो एस सी एस टी के लिए रिजर्वेशन डी, ऐसे बना लिए मैंने तो याद रहता। तो इसमें लिखा है कि पंचायत को डिजॉल्व कर सकते हैं, किन बेसिस पे कर सकते हैं, ये लिखा है कि नहीं, बेस लिखे हैं आर्टिकल 243 ई में कि नहीं लिखे, नहीं लिखे उसमें, उसमें केवल ये लिखा है कि पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक रहेगी, इसका डिजॉल्व होना ही पड़ेगा, बेस नहीं लिखा, आधार नहीं लिखा। अगला, अगर कोई पंचायत 3 साल में ही डिजॉल्व हो गई तो अगली पंचायत 5 साल के लिए होगी कि 2 साल के लिए होगी, जैसे लोकसभा डिजॉल्व होती है तो अगली लोकसभा 5 साल, विधानसभा डिजॉल्व होती है तो अगली विधानसभा 5 साल, तो पंचायत डिजॉल्व होती है तो अगली पंचायत क्या 5 साल के लिए होती है या जितना रिमेनिंग पीरियड था उसके लिए। तो इसमें लिखा है कि केवल रिमेनिंग पीरियड के लिए ही नई पंचायत आएगी, सही या गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। लास्ट क्वेश्चन आज का। अगला, गवर्नर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये चाहिए उसकी। दूसरा, उस स्टेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ऐसा लिखा है कि जिस स्टेट का गवर्नर है उस स्टेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्या उस स्टेट का गवर्नर बनता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी क्या फ्यूचर में कभी एमपी के गवर्नर बन सकते हैं, क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, हैं मतलब, और कोई आंसर, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे किसी भी स्टेट का गवर्नर उस स्टेट से रिलेटेड नहीं होता, ये किस कमीशन की रिकमेंडेशन है, सरकारिया, जिससे सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन अच्छे बने रहे, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, तो ये तो हो गया गलत, और 35 की एज चाहिए, सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस ये हो गया क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों की छुट्टी है।